हम इन विषयों के साथ बीएड करने वालों को शिक्षक नहीं बना सकते हैं, तो फिर बीएड करने के समय ही विद्यार्थियों को रोकना चाहिए था कि नहीं आप बीएड मत कीजिए, आपको हम शिक्षक नहीं बना पाएंगे। बीसीए भी बीएड करने का एक आधार माना गया है, बीसीए करने वाले छात्र भी उन्होंने बीएड किया है। अब सरकार उनकी बहाली से भी उनको वंचित कर रही, वैसे बीएड डिग्री धारी नौजवान छात्र जिन्होंने पढ़कर सर्टिफिकेट हासिल किया, सरकार को यह लगता था कि उनकी नौकरी नहीं संभव है, वैसे शिक्षकों की जरूरत नहीं है, तो फिर बीएड सरकार की किसी संस्था या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा ही किए कि उनको क्यों दी गई, यह बड़ा सवाल है। उनके जीवन को बर्बाद क्यों किया गया? आज अगर शिक्षक बनने से ही वंचित रह जाएंगे जिन्होंने बीएड की ट्रेनिंग की है, वैसे नौजवानों के भविष्य का क्या होगा? एक तरह से सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके अतिरिक्त और जो समस्या है जिसकी ओर भी हम महामहिम का ध्यान उस पत्र के माध्यम से आकर्षित कराना चाहते हैं, एक तो पात्रता परीक्षा से संबंधित ही, उसमें वैसे छात्रों को भी शामिल होने से मना किया जा रहा है जो अभी बीएड की परीक्षा में अपीयर हुए हैं। अपीयरिंग स्टूडेंट को पहले मौका मिलता रहा है, 8 साल के बाद अभी एसटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है, 8 साल के बाद। इस बार जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, परीक्षा उन्होंने दे दी है, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कारण उनको समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, उसमें आखिर उन विद्यार्थियों का क्या दोष है?